देश में कोरोना वायरस की खतरनाक लहर के बीच विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। ऐसे में शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने जोरदार हमला किया। राहुल गांधी ने देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार में हो रही लेट लतीफी को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने इस महामारी को मोविड करार दिया। राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने मोविड इसलिए कहा क्योंकि अगर मोदी एक्शन लेते तो केवल कोविड ही होता। उन्होंने कहा कि पीएम ने थाली बजवाकर और पश्चिम बंगाल में सभा कर कोरोना के लिए जगह बनाई, इसलिए उन्होंने कोविड को मोविड कहा। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक प्रधानमंत्री को कोरोना समझ में ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक बदलती हुई बीमारी है। उन्होंने कहा कि आप इन्हें जितना समय और जगह देंगे ये उतना ही खतरनाक बनता जाएगा। ऐसे में दूसरी लहर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। वैक्सीनेशन पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर इसी तरह से टीकाकरण चलता रहा तो मई 2024 में भारत की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। देश में कोरोना से हो रही मौतों पर भी राहुल गांधी ने पीएम को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि हमारी पेश की जाने वाली मृत्यु दर झूठ है और सरकार झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें समझना चाहिए कि विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है, विपक्ष सिर्फ उन्हें रास्ता दिखा रहा है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।